प्रिय प्रतियोगी नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत से हमारे दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिटेल्स में इस बारे में चर्चा कर लेता हूँ। तो आज UPSC 2021 का प्री एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत से प्रतियोगी भाई बहनों को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंतज़ार रहता है। तो शुरू करते हैं इसके और भी जानकारी के लिए। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम फी क्या है, इसका पेमेंट मोड क्या है, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, एप्लीकेशन का करेक्शन डेट क्या है इत्यादि। तो शुरू करते हैं इन सभी विषयों में डिटेल से चर्चा करने के लिए। तो नमस्कार एक बार फिर आप सभी का। तो शुरू करते हैं आज का ये डिटेल्स। एप्लीकेशन 5 फरवरी 2021 से शुरू हो गया है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 2 मार्च 2021 है। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट है 2 मार्च 2021 तक। एप्लीकेशन कंप्लीट करने का लास्ट डेट है 5 मार्च 2021 तक। इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, जो है 13 जून 2021 को। अब फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए ₹125, एससी और एसटी वालों के लिए ₹65 और पीएच कैंडिडेट के लिए ₹25 है। यहाँ पीएच कैंडिडेट्स का मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है, जो विभिन्न क्षमताओं वाले होते हैं उनके लिए फी है ₹25। अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन की आवश्यकता ग्रेजुएशन होता है, स्नातक पास। आप इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्ट्रीम क्या है, आपका विषय क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे यहाँ वैकेंसी की बात करें तो 400 पोस्ट इस बार दिया गया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए कम पोस्ट के लिए चिंता ना करें, पोस्ट बढ़ेगा ही। और अगर पोस्ट नहीं भी बढ़ता है तो आपको इसी पोस्ट में से अपना एक सीट सुनिश्चित करना है। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो गिना जाएगा 1 जुलाई 2021 से गिना जाएगा। तो आपको मिनिमम एज 1 जुलाई 2021 तक 21 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम है तो 1 जुलाई 2021 तक 40 होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1981 से 1 जुलाई 2000 के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट्स में मैं कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए और क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो, मैं दूसरे वीडियो में ये सब डाल रहा हूँ, कृपया आप उसे भी देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट का भी लिंक डाल रहा हूँ, सरकारी रिजल्ट का भी लिंक डाल रहा हूँ। आप इनमें से किसी भी लिंक पे जा कर के वैकेंसी के बारे में और डिटेल से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।